अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काजमी और आप देख रहे हैं काजमी एलीकॉम। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है हमारा, ये एचडी रिसीवर का बोर्ड है F1F2 गोटू वाले का, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी होती है। अगर ये बोर्ड हमारा डेड हो जाता है, रेड लाइट पे चला जाता है, तो हमने इसके वोल्टेज कैसे चेक करने होते हैं, या इसमें फॉल्ट ट्रबल शूटिंग कैसे करनी होती है। जो भी हिंट्स मेरे इस वक्त जहन में आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत है कि ये वाला बोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आज इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, इसमें जो कुछ लोग तो ऐसे हैं, हमारे दोस्त काफ़ी सारे बल्कि ऐसे हैं जो काम करते हैं, जिनकी शॉप वगैरह है, उनको तो इसका पता होगा। अगर आपने एक दफ़ा कोई फॉल्ट निकाल लिया है तो साफ ज़रा आप फिर उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। जो लोग न्यू हैं उनको मैं बताता चलूं, इसका छोटा सा सर्किट है, इतना बड़ा सर्किट नहीं है। एक तो बात आपको वाजे यहाँ पे करता चलूं कि जो इस बोर्ड पे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट जो हैं SMD हैं, यानी सरफेस माउंट कंपोनेंट हैं। और इसमें जो है ये वाला जो है फ्लैश आईसी है, EEPROM मेमोरी आईसी, और इसके अलावा जो है ये इसकी रैम है, ये इसकी रैम है, ये एक BGIC है यानी बॉल आईसी है। इसके नीचे इसकी सोल्डरिंग पॉइंट होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे, और इसको उतारना लगाना टफ होता है। ये इसका मेन आईसी हो गया, ये वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, इस पर मैं लास्ट वीडियो डिटेल से बना चुका हूँ। ये डायोड हो गया, यहाँ पे हमने इसकी मेन सप्लाई देनी होती है DC, और ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है स्विचिंग के लिए, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की स्विचिंग करवाता है। ये भी डायोड लगे हुए हैं, बाकी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये हमारा डिस्प्ले के लिए, फ्रंट डिस्प्ले जो है उसके लिए जैक है, और ये USB का है, यानी एक USB यहाँ लगी हुई है, जो एक फ्रंट पे USB लगी हुई होती है ये उसके लिए जैक निकाला होता है। और ये RS232 हमारी केबल के लिए इंटरफेस दिया हुआ है। तो इसमें ये चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जो भी कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं, उन कंपोनेंट्स में एक देसी तरीका आपको बता दूं कि जिस कंपोनेंट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, वो कंपोनेंट हम इसका रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा SMD रेगुलेटर है, कॉइल है, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये जो 4 और 4 8 पिनों वाले रेजिस्टेंस हैं, इनको अरे रेजिस्टर कहते हैं। ये अरे रेजिस्टर हैं, इनके ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है। ये इसके ऊपर 470 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 470 ओम की है। इस साइड पे भी लगी हुई है, और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगी हुई हैं, या कुछ ये देख सकते हैं ट्रांजिस्टर हैं या FETs होंगी, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं जिनके ऊपर हमें कोई वैल्यू नज़र आ रही है। जिनकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए फिर ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कौन सी वैल्यू का है। तो उसके लिए फिर इतनी गहराई में जाता भी कोई नहीं है, और इतनी मेहनत भी कोई नहीं करता। बहरहाल, आप दोस्तों को ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं इसके जो वोल्टेज की तरफ, कि हम अपने एक रिसीवर, अगर हमारे पास कोई डेड आया है, उसको अलाइव करने के लिए हमें क्या क्या वोल्टेज पहले चेक करने हैं। ऐसा नहीं होता कि हम, अगर रिसीवर हमारा रेड लाइट पे है, तो हम उसमें सिर्फ प्रोग्राम कर दें और हमारा मसला हल हो जाए। नहीं, इससे मसला हल नहीं होगा। मैं इसकी पावर सप्लाई इस रिसीवर की निकालने लगा हूं, ताकि वो बोर्ड अंदर लगा हुआ है तो शायद सही हमें आपको नज़र ना आए, तो मैं इसको अलग से सप्लाई देने लगा हूं, और आपके सामने मैं इसके वोल्टेज चेक करूंगा। आप दोस्तों को भी क्लियर हो जाएगा कि वोल्टेज को कैसे चेक करना है। इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं, लेकिन अमूमन कॉमन फॉल्ट जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये मेरे पास मल्टीमीटर है, मैंने इसको वोल्टेज पे सेट किया हुआ है जी, और इसको रिसीवर को मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। इसको मैंने, इस कार्ड को मैंने पावर दे दी है। अब सबसे पहले मुझे अपनी जो ब्लैक प्रॉब है, ये ग्राउंड के लिए होती है, तो इसको मैंने कॉमन करना होता है। इसको मैं या तो बॉडी से टच कर देता हूँ,
बॉडी के जो भी होल बने हुए हैं वहाँ पे आप लगा दें तो ये काम करेगी। और बाकी जो इस पे बोर्ड पे वोल्टेज चेक करने हैं हमने, वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है, सबसे पहले मेन पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो 5 वोल्ट का होता है, मीटर पे देख लें 5 वोल्ट हैं। दूसरा पॉइंट ग्राउंड होता है, तीसरे पॉइंट पे इसके 15 वोल्ट होते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी 14.6 से 15.6 तक ये वेरी करते हैं। और इसके ऊपर ये 21-22 तकरीबन वोल्ट होते हैं, इस पे 20 से 22 वोल्ट यहाँ पे होंगे, ये भी वेरी करते हैं थोड़े से। ये जो वोल्टेज हैं आपको 15 और 20, ये आपको यहाँ पे एंड पे ट्यूनर पे मिलने चाहिए। ये यहाँ पे एंड पे आके ट्यूनर पे इस सेक्शन में आते हैं ये वोल्टेज, और इस ट्रांजिस्टर पे भी ये वोल्टेज मैयर होंगे, और इन डायोड्स पे भी होंगे, और आगे ट्यूनर तक यही वोल्टेज आ रहे होंगे। अगर इस वक्त अगर आपका रिसीवर ऑन नहीं है तो आपको जो ट्यूनर के वोल्टेज हैं वो मिल रहे होंगे। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ट्यूनर के वोल्टेज तकरीबन 15 मिल रहे होंगे, या 14 पॉइंट समथिंग। जो हमने यहाँ पे हमने ये ट्यूनर का पॉजिटिव होता है तो इस पे हमने वोल्टेज चेक करने होते हैं, ये देखें 15 तकरीबन मिल रहे हैं। वही वोल्टेज है जो हमने पावर सप्लाई पे चेक किए थे, ये इस पे मिल रहे हैं। जब हम ट्यूनर इसको रिसीवर को ऑन करेंगे फ्लैश के थ्रू, ये हमारा जो सिस्टम आईसी है ये सिग्नल भेजेगा, तो ट्यूनर पे हमारे वोल्टेज वो हो जाएंगे, यानी जो हमने चैनल सेट किया हुआ है। अगर वर्टिकल किया हुआ है तो वर्टिकल के वोल्टेज सेट होंगे, जो कि अमूमन 13 वोल्ट से 15 वोल्ट तक होते हैं। और अगर हमने हॉरिजेंटल चैनल लगाया हुआ है तो उसके वोल्टेज जो हैं 18 वोल्ट से 22 वोल्ट तक होते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, वर्टिकल के वोल्टेज 13 से 15, और जो हॉरिजेंटल के वोल्टेज हैं वो होते हैं आपके 18 से 22। तो वो भी मैं चैनल चेंज करके भी आपको बताता हूँ। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो इसमें देखें आप, एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये SMD रेगुलेटर है, मैंने बताया था इसकी वैल्यू आपने कैसे चेक करनी होती है, और इसके आउटपुट वोल्टेज क्या होने चाहिए। इसकी जो ऊपर वाली ये हीट सिंक या सोल्ड किया हुआ है, इस ये आउटपुट होती है, तो ये 1.8 का है। और इसकी जो इनपुट है इस पे 3 से 6 7 तक ये इनपुट लेता है, और सेंटर वाली जो है ये आउटपुट होती है, ये 1.8 दे रहा है इस वक्त। इसकी इनपुट पे ये 3.66 आ रहे हैं, 3.4 समझ लें। और इसमें ये जो है 1.8 दे रहा है, ये आपके सिस्टम आईसी को भी जा रहे होते हैं, और ये आपकी रैम को भी जा रहे होते हैं। रैम के लिए और सिस्टम आईसी के लिए ये यहाँ पे 1.8 के लिए ये रेगुलेटर लगाया गया है। और इसके जो दूसरे इंपॉर्टेंट वोल्ट होते हैं वो इस कॉइल पे होते हैं। ये एक छोटा सा 5 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है, तो इस पे जो है तकरीबन ये 1.2 का रेगुलेटर होता है, और इस पे 1.1 से 1.2 तक आपको वोल्ट मिलेंगे। इस पे 1.13 मिल रहे हैं, और इसकी आउटपुट कॉइल से आगे एक जो है आउटपुट इसकी जा रही होती है, ये 1.12 है। ये आपकी सिस्टम आईसी को भी जा रही होती है, और बाकी भी इसकी बोर्ड में जो है बाइफरकेशन की हुई होती है। और इसके अलावा तीसरे जो इम्पोर्टेंट वोल्ट होते हैं वो ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 3.3 का रेगुलेटर है, ठीक है जी, ये 3.3 का रेगुलेटर है। और ये जो है ई प्रॉम को वोल्टेज दे रहा है, और ई प्रॉम के अलावा यही वोल्टेज जो है आपके सिस्टम आईसी में भी जा रहे होते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के थ्रू, डायरेक्ट नहीं जाते, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के थ्रू जो है आपके। बहरहाल ये पूरा जो सर्किट होता है वो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस उसमें मस्ट होती हैं, उनके थ्रू कुछ वोल्ट अप डाउन करके जो है ये बाकी चीज़ों को दिए जाते हैं। ये जो आपका फ्लैश आईसी है इस पे इसकी अमूमन जो VCC होती है वो 8 नंबर पिन होती है, लेकिन अगर इसकी सर्किट देखा जाए तो इसकी 1 नंबर पिन पे भी आपको 3.3 मिलेंगे, और 3 नंबर पिन पे भी आपको 3.3 मिलेंगे, 8 नंबर पिन पे भी 3.3 मिलेंगे, और 7 नंबर पिन पे भी आपको 3.3 मिलेंगे। तो अमूमन मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूं कि इसकी 8 नंबर पिन पे आप 3.3 चेक करें, क्योंकि 8 नंबर पिन जो है इसकी वो VCC है, और इसकी जो 7 नंबर पिन है और 3 नंबर पिन है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये आपको क्लियर हो गया। और इसके अलावा ये जो USB की कनेक्शन होते हैं, इनके
यूएसबी का आपको पता होगा, इसकी भी जो साइड वाली दो पिन्ने होती हैं, एक वीसीसी होती है, एक ग्राउंड होती है। इसकी वीसीसी यानी इसकी पॉजिटिव जो है 5 वोल्ट होती है, और इसके अलावा ये इसके और इसके दरमियान एक फ्यूज़ लगा हुआ है छोटा सा, ये भी इसके लिए यूएसबी के लिए लगाया हुआ है, इसमें भी आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। अगर कभी यूएसबी का फॉल्ट आता है, यूएसबी डिटेक्ट नहीं हो रही होती, तो ये फ्यूज़ आपका बर्न होता है।